अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान के तमाम तर खुशियों से नवाजे। जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, प्लान बना था म्यूज़ियम देखने का, तो जो कि सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने है, जिसका नाम द अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, सो हम काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, तो हमने आज फिर फाइनली हम लोगों ने सोचा चले आज चलते हैं, जो कि सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम था ये। हम लोग यहाँ से ट्रेन ली है, क्योंकि गाड़ी में ड्राइव करके जा सकते थे, लेकिन पार्किंग का न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, इसलिए हम लोग ट्रेन में ही गए हैं। एक वॉक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ और ही सीन था। मैं तो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, इतनी लंबी लाइन। मुझे तो पहले लगा यहाँ पे कोई कुछ हो रहा है, जो इतने सारे लोग एक जगह जमा हो गए हैं। बहुत लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, जो इसका मेन एंट्रेंस थी उसके सामने बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मैं आपको पूरे पीछे तक ये लाइन शो कराऊँगी। इतनी लंबी लाइन थी कि लोग हतम होने का नाम ही नहीं थे ले रहे। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, इतने सारे लोग एक जगह। ये सब लाइन है जो लोग चल रहे हैं, मैं बस इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सब लाइन में ही लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए, बहुत लंबी लाइन थी। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स जो थी वो बाय कर ली हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोग ये वो लाइन थी जिन लोगों ने इधर आकर टिकट्स लेनी थी, जो मेन गेट से जा रहे थे। फिर हम लोगों को पता चला कि एक पीछे से भी एक रास्ता है, वहाँ पे उन लोगों की एंट्रेंस है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स पहले से बाय कर ली हुई हैं। तो हम उस साइड में फिर गए तो देखा कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। हम लोग जैसे ही आगे गए तो हम लोगों के पीछे इतनी लंबी लाइन बन गई कि वो भी देख के हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। ऐसे जैसे सब लोग यहाँ म्यूज़ियम में ही इकट्ठे हो गए हैं। फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो गए। तकरीबन 30 मिनट लगे थे हम लोगों को अंदर आते हुए, बहुत ज़्यादा रश था। अंदर का व्यू जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा म्यूज़ियम और बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, और मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा नई बात थी। मैं भी फर्स्ट टाइम इस म्यूज़ियम को देख रही थी, को मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर फोर्थ फ्लोर है, जो कि वन बाई वन हम लोगों ने देखे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर में एंटर हुए हैं, जहाँ पे इतने सारे एनिमल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, सब फेक हैं अदरवाइज, लेकिन आप इनको देखिए बिल्कुल रियल लगते हैं। Is this real? Fake. Oh.
इतनी खूबसूरत चीज़ें लग रही थी, इतना बड़ा म्यूज़ियम था, मुझे रिकॉर्ड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हम लोगों ने तकरीबन 4 hours to 5 hours हम लोगों ने वॉक की, और पूरा म्यूज़ियम जो है हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक पूरा म्यूज़ियम हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और वॉकिंग तो बहुत ज़्यादा थी, डेफिनेटली एक्सरसाइज भी हो गई थी, और देखने के लिए टू मच चीज़ें थी। मैं तो प्रेफर करूँगी कि जो कि इधर अमेरिकन यूएसए में हैं वो अगर नहीं गए तो आप लोग ज़रूर इस म्यूज़ियम का विज़िट करें। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। यहाँ पे सारे एनिमल्स थे, लायंस, टाइगर, बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे जो देखने में बिल्कुल रियल लग रहे थे। लोग इतने खुश हो गए, स्पेशली बच्चे। कोशिश थी कि आप लोगों को सब कुछ दिखाया जाए। आप अगर मैं इंजॉय कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी साथ में, क्योंकि आप लोग सब मेरी फैमिली हो। ये इतनी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है कि अगर मैं खुद कुछ देख रही हूँ, कुछ इंजॉय कर रही हूँ, तो मैं अपने इन देखने वालों को और जो जिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं भी हैं मेरे सब्सक्राइबर और जो वीडियोस देखते हैं, मैं उनको भी ये अपने साथ इस चीज़ के इंजॉय करवाऊं। तो कोशिश थी कि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत लंबी वीडियो बनी क्योंकि फोर्थ फ्लोर थे, हर चीज़ देखने में टाइम भी लग रहा था और डेफिनेटली वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ, बाद मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी म्यूजियम का शेयर करूंगी। अभी तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर में ही ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद हम लोग ओशन लाइफ में ये जाएंगे, जहाँ पे फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो रही थी समझने की किस रास्ते से हम लोग जाएँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जैसे कि बता रहे हैं बार बार कि बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, जो हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्री मैप्स मिल रहे थे और वो दे रहे थे, तो हमने वहाँ से ये लिया और ताकि ईजी रहे कि हम लोग किस किस एरिया में जा चुके हैं और नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट क्या है, किस एरिया में हम लोगों ने जाना है। यहाँ पे अंदर ही म्यूज़ियम के अंदर ही स्टोर्स भी थे, जहाँ पर एनिमल्स और क्लोज वगैरह आप लोग बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं ओशन लाइफ में, ये बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे फिशेज भी थी, कलरफुल फिशेज थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। Thank you.
होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को शो कराएंगे ओल्ड वे ऑफ लाइफ, जो पहले लोगों की लाइफ कैसी थी। हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ सबकी कल्चर्स को इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। और स्पेशली मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी, बहुत खूबसूरती से इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि आप लोगों को भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दुआओं में ज़रूर याद रखना, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। अल्लाह हाफ़िज़।